इस बंदे को तो सबसे पहले इसको ही करना पड़ेगा, ये कहाँ का है, कौन है, क्या है, ये इसको हम नहीं जानते। मैंने इसको कॉल की है, इसने मेरी कॉल नहीं फिर उठाई है जब मैंने ये मैसेज देखा कि कौन है, तू कौन है, कैसा है, क्या है। ये हमें नहीं लगता कि ये ऐसा कोई ट्रेनिंग वाला बंदा जहाँ जिसके घर में माँ बेटी बहन होगी वो ऐसा काम करेगा, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है। अब पुलिस वालों को भी इस तरह की धमकियां आ रही हैं। वही मैंने बोला जी कौन है, जी लड़के कौन है, मिलिटेंट है, क्या है क्या नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी एसोसिएशन खड़ी है, इनके खिलाफ FIR लार्ज श्रीनगर में भी होगी, जम्मू में भी होगी, हर जगह पे होगी, इस बंदे को पकड़ा जाएगा। जे बंदा 370 के पहले जैसे गुंडागर्दी किया करते थे, कुछ पीछे जो अच्छे खासे लोग थे उनके इशारों पे नाचते थे, आज अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, नहीं कोई गलत में कोई षड्यंत्र रचेगा उसको मैं माफ करने वाली नहीं हूँ, ना मेरी एसोसिएशन माफ करेगी। 600-602-115 ये बंदा हर एसोसिएशन को थ्रेटे दे रहा है, थ्रेटे इसके पास कौन सी लाबी है, कौन बैठा है, कौन इसके पास गाइड कर रहा है। ये बोलता मैं चेयरमैन को और प्रेसिडेंट को सभी को किडनैप करवा दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सिर समाचार से। एक खबर हमने आपको दिखाई थी, होम गार्ड्स के जो कर्मचारी हैं उनको 600-700 कर्मचारी जो थे वो बाहर निकाल दिए थे, और ये लोग काफ़ी लंबे समय से सर्विसेज दे रहे थे लेकिन कारण हमें नहीं पता कि क्यों निकाला था। लेकिन इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई, क्योंकि खबर की थी, उसके बाद कोई असर हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, ये जानना भी ज़रूरी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कमला शर्मा जो होमगार्ड की प्रधान है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी, और आज ईद भी है, सभी जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं जो भी जितने होमगार्ड के हैं चाहे पूरे देश के हैं उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद मुबारक तो एक उनको तब मिलेगी जब जे बेचारे रोज़गार लग जाएंगे, पूरी ड्यूटी मिलेगी इनको, निम्मत रोज़गार मिलेगा तो तब भी है। हमारे चैनल की तरफ से भी सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक। अच्छा, 600-700 कर्मचारी निकाल दिए थे, अब वापस ला रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो बहुत जल्दी आएंगे, हमारे जो श्रीनगर के कमांडेंट साहब हैं उन्होंने भी इनको बुलाया, बातचीत की, चलो कुछ गलत फहमियाँ थी, डाउट था, तो वो ऑफिसर तो कोई ऐसा चाहता नहीं, अगर हमसे भी कोई गलती हो तो मैं उनके भी सर से कहूँगी कि सर अगर हमसे कोई ठेस पहुँची है आपको तो हम उसके लिए भी रियलाइज़ करते हैं कि अपनी गलती, ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को नहीं, क्योंकि जो लोग परेशान थे तो इन्होंने हमें कॉल की तो हमने भी बोल दिया। तो वो जिस तरह का आदेश दिया गया था कि निकाल दो, वर्दियाँ जमा करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये कि उन्होंने बताया कमांडेंट साहब ने, किसने दिया था? नहीं बोलते जो ऊपर से लेटर निकला शायद, पता नहीं ऊपर 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 क्या पता अब किसका। तो चलो हम बोलते हैं कि वो भी हमारे सीनियर ऑफिसर है, ऐसी बात नहीं है, हर एक को वो भी बोलते मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है, जब भी आएगा मैं इनको करूँगा, ईद के बाद चाहे कुछ भी होगा करेंगे। तो चलो वो सीनियर ऑफिसर है, हम उनके बच्चे हैं, तो चाहे सिस्टर समझे कुछ भी, वो भी हम उनसे रियलाइज करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें काम से मतलब है, कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 6 दिसंबर 1962 में जब होमगार्ड थी ऑल इंडिया लेवल पे, तो उनका चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो हमारे होमगार्ड का स्थापना दिवस बना था उस दिन, क्योंकि चीन के साथ इन्होंने युद्ध जीता था। लेकिन आज तक हमारे संसद में बहुत से कानून बनते हैं, बहुत से कानून बनते हैं, जैसे किसी का भी कोई CISF है, BSF है, आसाम राइफल है, जब कोई भी फोर्स नहीं थी, TADA जो भी थी, तो सारे हमारे बाद में आए हैं। तो 1946 में जो होमगार्ड का जो वो था वो, तो हम आज तक देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टाफ है सारा वो परमानेंट है, कहीं भी है परमानेंट है, लेकिन जो होमगार्ड है उनको उन्होंने स्वयं सेवक का टैग दिया हो कि जो वॉलंटियर है, तो हमने वॉलंटियर बन के भी देश की सेवा ही की है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को, जैसे जो संसद भी लग रही है, तो संसद के अंदर कोई आज तक ऐसा नुमाइंदा जहाँ कोई हमारा ऐसा संसद नहीं आया जो इन लोगों की आवाज़ भी पहुँचाए। जे कौन से मैनोफेस्टो में, जब ये इलेक्शन होती है तो मैनोफेस्टो में लिखते हैं हम सबसे पहले आपका मसला हल कराएंगे, लेकिन वहाँ पे इन लोगों का, जिन जनता ने इनको बना के भेजा होता है, उनका मसला हल करवाने के बजाय जी क्या अपने मसले हल करवाते हैं। तो मैं यही माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को बोलूँगी कि सर जो 7.5 लाख होमगार्ड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में,
तो आप इसका भी पार्लियामेंट के अंदर संशोधन किया जाए। ये आपको हमेशा याद रहेगा कि ये लोग भी आपके साथ हैं, क्योंकि इन्होंने चाहे वो चुनावी ड्यूटी हो, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा की इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, चाहे कोई कुंभ मेला हो, चाहे यात्रा हो, चाहे अर्थ क्यूब हो, डिजास्टर हो, कहीं भी फ्लड कंट्रोल जो भी होता है, ट्रैफिक ड्यूटी, नाका ड्यूटी, पूरी जो पुलिस की तरह ट्रेनिंग करके पुलिस की ड्यूटी करते हैं, लेकिन इनके साथ इंसाफिया, इनके बच्चों को कब इंसाफ मिलेगा, इन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में तो सबसे बदतर हालत है जो जम्मू कश्मीर में है ना, ऐसी तो कहीं भी नहीं होगी। अब चलो हमारे, मैं माननीय डीजी साहब भी हमारे बहुत अच्छे हैं, और एक मैं सल्यूट भी करती हूँ उनको कि ऐसे अफसर अगर J&K के अंदर कोई 10 होना तो J&K का सुधार हो जाता। मैं बोलती हूँ उनको रिटायर होने के बाद भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए कि ऐसे अफसर भी डिपार्टमेंट के अंदर है जो एक बच्चा भी कॉल करेगा उसकी बैक कॉल भी जवाब देंगे, पूछेंगे, सुनेंगे। तो मैं तो पहली दफ़ा ये गर्व करती हूँ कि ये DG साहब बहुत इन जवानों के लिए कर रहे हैं जो उन्होंने प्रपोजल भेजा है। तो हमारे होम सेक्रेटरी भी इसमें, मैं नहीं कहती हूँ कि वो भी इस वक्त इनके साथ खड़े हैं कि इन जवानों के साथ जाती हो रही है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं फाइनेंस में, हर जगह पे हमारे लोग अभी होम सेक्रेटरी को भी मिले, चीफ सेक्रेटरी को भी, इनको भी, सभी को, जहाँ पे इनको रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि हमें तो आज बड़ी उम्मीद की ईद है तो ईद पर गिफ्ट देंगे, लेकिन वो शायद कैबिनेट में होगा, कैबिनेट में जाएगा। तो हमारे LG साहब भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस वक्त, सारी जगहों पे देखो टूरिज्म का भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी उद्घाटन, हर जगह पे की बढ़ावा दे रहे हैं कि हम रोज़गार बढ़ा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है, हमने तो एक बेल्ट फोर्स की ट्रेनिंग की हुई है, तो ट्रेनिंग करके भी इनको आप रफा दफा सोचेंगे नहीं, लेकिन इसमें LG साहब भी बहुत ज़रूरी जो इन लोगों को देने वाले हैं, चाहे वो इनको 15,000 दें या 18,000 देंगे या 20,000 या 30,000, वो नहीं हमें पता है, लेकिन इनका जो होमगार्ड जवानों के साथ है वो बहुत जल्दी इंसाफ मिलने वाला है। शोषण होना जो गलत अफवाहें फैलाते हैं कि इनमें कई लोग बोलते हैं किसी ने कंडेम्ड लगाई है, वो नहीं मानते हैं, जहाँ मैडम ने लिख के भेजा है, फैक्स दिया है कि हम जे वाला ऑर्डर नहीं लेंगे, हम 30,000 40,000। मैं उन लोगों को भी जे मीडिया के द्वारा कहना चाहती हूँ, जो लोग आपको चाहे पॉलिटिशियन के हैं जहाँ कोई हमारे ऐसे लोग हैं जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके बहकावे में मत आइए, वो क्योंकि लोगों को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब बोलते हैं ना जंग जीतने के लिए, संघर्ष के लिए बंदा अकेला ही निकलता है, जब वो जीत लेता ना उसके साथ हजारों की भीड़ होती है, तो जब सुनना पड़ता तो बड़ा कुछ लोग गाली भी देते हैं, हमें कितनी देते हैं हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनके घर में भी माँ बेटी कोई ऐसी बातें कर रहा है कोई आपके बारे में नहीं, कुछ लोग होते हैं ना शायद वो किसी के बहकावे में आकर कर रहे हैं, हम उनको जानते नहीं, वो जैसे अब कल परसों डाल रहे थे इन्होंने क्या किया है, जे मुझे तो लगता है किसी की साजिश है बहुत बड़ी, तो उस साजिश को हम नाकाम नहीं होने देंगे कि बाहर का बंदा आएगा हमारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनेगा, वो क्या SPO को लूटेगा तो वो होमगार्ड को लूटेगा। ऐसे लोगों को मैं DG साहब से, IG साहब से, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सर जो चंद लोग हैं, जो 10-12 लोग हैं जो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो हमें थ्रेटे देते हैं कि मेरी यूनियन को भी थ्रेटे देते हैं हम इनको किडनैप कराएंगे, जो कौन सा बंदा षड्यंत्र रख रहा है उनके नंबर है, मैं FIR लाजमी करवाऊंगी, और मैं जितने हमारे एरिया कमांडर हैं चाहे वो कठुआ से लेके चाहे वो कुपवाड़ा तक है, जिस डिस्ट्रिक्ट के जो चंद लोग हैं, चाहे एक दो रामबन से है, एक दो रजौरी से है, एक दो चार कठुआ से है, एक डोडा से है, मैं DG साहब से भी बोलूंगी कि हाथ जोड़ के, सर हम कभी गलत कदम नहीं उठाते ना हम किसी से, मैं आज एक किराए के कमरे में रहती हूँ जहाँ पे सर देखो आप भी बैठे पानी टिपक रहा है, एक पानी टिपक रहा है, हमने अपने जवानों की लड़ाई लड़ी है सर, एक ईमानदारी से लड़ी है, हम ना किसी से चंदा इकट्ठा करते हैं ना हमने आज तक किया है, हम लड़ते हैं कि होमगार्ड एक गरीब फोर्स है और गरीब लोग हैं, इनके लिए ईमानदारी से अगर अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं है, हमारे लोग बहुत है कि 4,500 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं, इनके खिलाफ मैं हर एरिया कमांडर को आपके मीडिया से जे कहूंगी इनकी तहकीकात करें, हम उनकी लिस्ट निकाल रहे हैं। हम ये कहेंगे कि अब पुलिस वालों को भी इस तरह की धमकियां आ रही हैं। वही मैंने बोला जी कौन है जी लड़के कौन है, मिलिटेंट हैं क्या है क्या नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी एसोसिएशन खड़ी है, इनके खिलाफ FIR लार्ज श्रीनगर में भी होगी, जम्मू में भी होगी, हर जगह पे होगी, इस बंदे को पकड़ा जाएगा, ये बंदा कौन सा है, कैसे यूनियन को गलत मैसेज डालता, और लड़कियां हमारे ग्रुप में होती है गंदे मैसेज, ग्रुप वाले में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके खिलाफ मैं वुमेन कमीशन के अंदर दिल्ली में जाऊंगी, इसके खिलाफ पूरी मैंने रखा हुआ है, जिन एडमिनों ने ग्रुप बनाया सबसे
पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके ग्रुप में ये मैसेज कैसे फॉरवर्ड होते हैं, कैसे होते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम गरीब 4300 बंदों के लिए लड़ रहे हैं कि 10 बंदों की वजह से हम बाहर का प्रेसिडेंट, हमारी जूनियर सेंट्रल लेवल पे है, हमारी जूनियर रजिस्टर है, प्रेसिडेंट है ये व्यक्ति, पता नहीं जे जैसे कहीं पहले एसपीओ को गाइड करता होगा तो अब होमगार्ड के भी शिगिर्द कोई 10 होंगे जो बीच में आ जाते हैं, बाकी कोई नहीं है। 4000 लोग यूनियन के साथ खड़े हैं। कल उसने मेरे एसोसिएशन के जो चेयरमैन है उसके साथ बदतमीजी की है और लोगों से, मैं तो ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाती है, ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ उसके घर में माँ बहन बेटी होगी ना तो वो कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा, ऐसी गलती लैंग्वेज नहीं यूज़। हम बेल्ट फोर्स के अंदर आए हैं सर, ट्रेनिंग की है, नहीं, ऐसा, हम लोगों को सबसे पहले अपने एटीट्यूड होना चाहिए, हम कैसे बात करें, हमें सलीका होना चाहिए बोलने का, हम कैसे। ऐसा भी हो सकता है पीछे से किसी ने उसको कोई सपोर्ट कर रहा हो, कोई फंडिंग हुई हो कि आप थोड़ा ऐसा काम करें तो बाद में आपको कुछ दो चार तो आपके काम करवा दिए जाएंगे, इस चक्कर में हो सकता कोई कर रहा हो। सर होगा वो फंडिंग, उसको जब अरेस्ट करती है पुलिस वो फंडिंग वाला जो भी उसके पास होगा, कौन लोग उसको गाइड कर रहे हैं, कौन लोग उसको पैसा दे रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी। थोड़ी कॉल डिटेल भी निकलवाई जाना इन लोगों की, कहां की कौन वो सर, हमने सारी उनके पास से लिस्ट है कि जिन लोगों ने किया, वो 10-12 लोगों के नाम 15 लोगों के आ गए हैं। मैं अभी जा रही हूँ, आज तो छुट्टी, आईजी साहब को मैं कल सुबह मिलूंगी इसी के सिलसिले में, और मैंने रजौरी में भी एरिया कमांडर को हाथ जोड़ के विनती करूंगी सर, ऐसे लोगों के खिलाफ रामबन में भी, कठुआ में भी, जहाँ जहाँ भी है, हमारे जम्मू का कोई नहीं, उधमपुर का कोई नहीं है, किश्तवाड़ का कोई नहीं है, इधर का कोई नहीं है, डोडा का एक लड़का है, एक रामबन का है, एक दो कठुआ के है, जिनके नाम उस लड़के ने बके हैं, हमें कोई पता नहीं। मैं तो किसी को, मेरे लिए तो 4300 लोग एक बराबर है क्या है, मैं अगर लड़ती हूँ तो ईमानदारी से लड़ती हूँ, किसी के खिलाफ हमें कोई नहीं है। कोर्ट में लड़ा तो हम कोर्ट में एक जीता हुआ जंग है, इसको इम्प्लीमेंट सरकार ने करना, हमारा काम है संघर्ष करना, इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है, हम गवर्नमेंट का प्रपोजल देना गवर्नमेंट का काम है सर, मेरा काम नहीं है कि मैं प्रपोजल दूंगा, मेरा काम है कि उधर तक आवाज़ पहुंचाना, हमारी एसोसिएशन का काम है उधर तक आवाज़ बनाना, जो चंद लोगों की वजह से हम इसको स्पेयर करने वाले नहीं है, इसको हम इसका काला चिट्ठा खोलेंगे और उसको महकमे से बाहर करवाएंगे। मैं डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप भी मुझे बड़ी देर से जानते हैं और मैं आपको मिलती भी रहती हूं, मुझे दिलबाग सिंह सर हैं वो भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उनसे भी मिलती रहती हूं, वो भी मुझे आज सिस्टर की तरह दर्जा देते हैं, डीजी साहब जो भी है, काबरा साहब है हमारे होम सेक्रेटरी, वो मैं जब जाती हूँ इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, लड़के बोलते होंगे नहीं मिले, मैं जब भी गई हूँ बड़े अच्छे तरीके से बिठा के बात करते हैं, मैं क्यों उनके खिलाफ बोलूँ। और अगर चीफ सेक्रेटरी अभी नए आए, मैंने मिली, लेकिन श्रीनगर वाले जा रहे हैं, जम्मू आएंगे, हम भी मिले, एलजी साहब को 3 बार मिले, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात सुनी है, जितने मुर्मू साहब रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी रहे हैं, सारे हैं, तो सभी ने बड़े अच्छे तरीके से इस मसले को उठा रहे हैं कुछ, तो जो चंद लोगों को कुछ पच नहीं रहा होगा कि होमगार्ड का मसला हो जाएगा, तो जिन लोगों से उन चोरों ने पैसे खाए होंगे उनको तकलीफ हो रही है कि हम मसला नहीं हल होने देंगे, लेकिन हमारी एसोसिएशन एक है, एक रहेगी, चाहे वो सांबा से है, चाहे वो जम्मू से है, चाहे उधमपुर से है, चाहे बारामूला से, चाहे कुपवाड़ा से, चाहे कहीं, और जो चंद लोग हैं, चाहे वो कुपवाड़ा के 3-4 लोग इसमें शामिल, चाहे वो पुलवामा से 1-2 लोग शामिल, चाहे वो बारामूला से 1-2 लोग शामिल, हम उनका चिट्ठा खोल के एसोसिएशन में पूरा उनका रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जी को आके क्या जो मिलते हैं जहाँ क्या जो हमें थ्रेटें दे रहे हैं, हमें किस बात पे थ्रेटें दे रहे हैं, हमने किसी से लेके नहीं खाया, मैं एक किराए के कमरे में रहती हूँ, एक मेरा बच्चा, मैं उसके लिए सर अभी लोन लेके मैंने फीसें दी है, मेरा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, जो लोग घर दिखाओ यहां, देखो अंदर किचन में जाओ मेरे कितना पानी आ रहा है, अंदर किचन में जा रहा हो, इधर देखो कितना, तो कल कोई गलत एलिगेशन लगाएगा मैं उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, आप देखो जहाँ बैठे हो कितना पानी, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, ऐसे ही बकवास बिन मतलब के, जो ही लोग जो और जो इनको बंदा गलत कर रहा है मैं उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रही हूँ, मैं ये नहीं सोचूंगी कि तूने एसपीओ को बेवकूफ बनाया तो होमगार्ड को बनाएगा, उसको मैं घसीट के इधर कोर्ट में खड़ा, मैं सबसे पहले वुमेन कमीशन में ऑफ इंडिया में जाऊंगी, इसके खिलाफ मैं केस दर्ज करवाऊंगी कि इन्होंने कैसे जूनियर को बर्बाद करने के लिए बोला, हमने ईमानदारी से लड़ा, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे इस वक्त 10 वकील कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम 10 वकीलों को खड़े करेंगे, उस बंदे को भी इधर खड़ा करेंगे, उसको प्रूफ लाना पड़ेंगे, वो क्या सोचते हैं कि हम जूनियर इतने कमजोर है जहाँ कुछ है, हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमने ना कोई धारा 370 के पहले जैसे गुंडागर्दी किया करते थे, कुछ लोग पीछे जो अच्छे खासे लोग थे उनके इशारों पर नाचते थे, या आज अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, इनको लग रहा है कि कुछ हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, नहीं, हाँ जी है, नहीं मैं क्यों बोलूँ, देखो अरविंदर रैना जी ने भी हमारी सपोर्ट की, मैडम प्रिया सेठी ने, जब भी हम जाते सेंटर तक वो फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट की हमारी, मैं उनके खिलाफ क्यों बोलूँगी, शायद कोई उनको भी फेल करने के चक्कर में होगा, उन्होंने हमारी फुल सपोर्ट की है, जहाँ तक हमारा मसला एक पहुँच रहा है, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब कुछ है कि हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सारे सेक्रेटरी में जा रहे हैं, सारे अफिसर हमारे अच्छी बात करते हैं, सब कुछ है, हम उनके खिलाफ क्यों बोलूँगे, लेकिन जो चंद है हमें नहीं पता जे कौन है,
हम नहीं इनको जानते हैं, जो साल से भर्ती है, जिसने ट्रेनिंग नहीं की। मैं डीजी साहब से जो भी करूँ कहूँगी, सर आप एक ऐसा सर्कुलर निकालिए, जिसने आज तक ट्रेनिंग नहीं की उसको आप बिल्कुल इस होमगार्ड में मत रखें, और जो ड्यूटी नहीं करता आप उसके खिलाफ भी करिए, क्योंकि वो क्यों नहीं ड्यूटी करते हैं। अगर आपने इंक्वायरी बिठा ली, इनके खिलाफ भी बिठाओ कि इन लोगों को किसने लगाया है, कैसे लगाया, बिना वेरिफिकेशन के कैसे लगाया है, क्या जो होमगार्ड ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, हाँ ना ड्यूटी भी नहीं करते हैं, जो कैसे इनको अटेंडेंस मिलती है, कैसे नहीं। हम इनके खिलाफ आज तक मैं बड़ी शराफत से जूझ कर रहे थे कि शराफत से कि गरीब लोग हैं, लेकिन गरीब को इतना भी समझ नहीं है कि जब ऊपर वाले की लाठी की मार होती है ना, उसकी आवाज़ नहीं आती है। तो वो मैं एक बोलते ना, फूल नहीं चिंगारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, लेकिन नारी का सम्मान करना सीखें सबसे पहले, कि एक नारी का कैसे सम्मान किया जाता। हमारे लिए 100 साल का बुजुर्ग होगा वो भी मेरे लिए वही रिस्पेक्ट है, मेरे साथ 4 साल का बच्चा होगा मेरे लिए वो भी रिस्पेक्ट है। सबसे पहले हमें पुलिस के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, रिस्पेक्ट किसके साथ कैसे बात की जाती है, कैसे हमने बहुत ट्रेनिंग की हुई है। हम पुलिस के साथ थानों में ड्यूटियाँ करते हैं सर, ऐसे ड्यूटी नहीं करते हम कोई जहाँ पे, हम थानों में बड़े बड़े, मेरे को 2003 से आज तक मैंने सिटी थाना में मैंने किसी से 1 रुपये का कभी थाने के अंदर आप इंक्वायरी करो किसी से 1 रुपया भी लिया, कभी किसी से चाय का कप भी पिया, और मैंने अपने थाने से नहीं कभी किसी के चाय पानी पिया होगा। मैं अपनी ड्यूटी पे जाती हूँ, ईमानदारी से ड्यूटी करके आती हूँ, मुझे कोई बताए, लेकिन कोई गलत में कोई षड्यंत्र रचेगा उसको मैं माफ़ करने वाली नहीं हूँ, ना मेरी एसोसिएशन माफ़ करेगी। और जिसने बोला कि मैं एसोसिएशन को किडनैप करवाऊंगा, उसको पहले साबित करना पड़ेगा वो कहाँ का है, कौन है सर, उसका नंबर मैं दिखाऊंगी, उसका मैसेज दिखाऊंगी, उसका नंबर, ये नंबर सभी जगह पर देंगे हम पूरे कि 6606 और इसका नंबर आगे जी सर, इस बंदे को तो सबसे पहले इसको ही अरेस्ट करना पड़ेगा, जे कहाँ का है कौन है क्या है, जे इसको हम नहीं जानते। मैंने इसको कॉल की है, इसने मेरी कॉल नहीं फिर उठाई है, जब मैंने जे मैसेज देखा कि कौन है तू, कौन है, कैसा है, क्या है, जे हमें नहीं लगता कि जे ऐसा कोई ट्रेनिंग वाला बंदा जहाँ जिसके घर में माँ बेटी बहन होगी वो ऐसा काम करेगा, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है, लेकिन हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। जे नंबर है सर 6600606012115। ये बंदा हर एसोसिएशन को थ्रेटें दे रहा है, थ्रेटें इसके पास कौन सी लाबी है, कौन बैठा है, कौन इसके पास गाइड कर रहा है, ये बोलता मैं चेयरमैन को और प्रेसिडेंट को सभी को किडनैप करवा दूंगा, इसमें इतनी अथॉरिटी है, पावर तो है, कोई कोई तो है इसके पीछे जो इतना उछल रहा है, इतनी छलांगे मार रहा। और ये सर पता नहीं 1.5 साल का भर्ती है या नहीं, तो मैं सबसे पहले तो DSP रजौरी को यही इतला करूंगी, मैंने उनका नंबर भी मंगाया, मैं अभी उनको फोन भी करूंगी, जब बंदा सुबह तक अरेस्ट होना चाहिए, नहीं हुआ तो मैं सीधा दिल्ली वुमेन कमीशन में जाऊंगी कि एक लेडीज के साथ कैसे बदतमीजी की जाती है। मेरा यही है काम रहा एक साइड, वो जो हो रहा है वो हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन मुझे कल का इतना लगा कि हमारे ग्रुपों में माँ बहन बेटियाँ सभी है, कभी कोई गलत मैसेज नहीं डालता। जे कोई और ग्रुप था जहाँ से जो मैसेज, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट के करके पूरा भेजा कि हमारी मैडम है जहाँ किसी के खिलाफ, इसने कौन सा बंदा है जो किसने वो किया हुआ है, कैसा किया हुआ है, हम तेरे को जानते नहीं, तू कभी आया नहीं, जा नहीं, लैन नहीं, देन नहीं, तू कौन होता बकवास करने वाला। तो मैं अपने DG साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगी सर, इस बंदे को अरेस्ट किया जाए और इसको महकमे से दफा किया जाए सबसे पहले, जो बंदे ऐसे हैं शरारती तत्व हैं। और जय हिंद जय भारत। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। तो ये देखें आप, बात कुछ और थी और पहुंच कहीं और गई, और ये जो अराजक तत्व हैं इनको चैन नहीं है, इनको शांति नहीं है, ये ना खुद सही से खाते होंगे, रात को पता नहीं सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं, ये खुद भी नहीं सोते होंगे, दूसरों को भी नहीं सोने देते हैं, इनको बस लोगों को परेशान करना ही करना। ऐसे लोग जो इस तरह की, क्योंकि बहुत तो हमने भी पढ़ा वो जो मैसेज वगैरह उन्होंने किए हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और एक महिला के लिए किया गया, बड़ी बात तो ये, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि इन लोगों को अगर माफ़ कर दिया जाए तो ये ना जाने अभी तो एक जो होमगार्ड की प्रधान है उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गायब करवा देंगे, तो ये नॉर्मल जो लड़कियाँ हैं माताएँ हैं उनके साथ क्या करते होंगे। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।